Yes. Hey guys, I'm your Nandini ma'am, and now we are going to do question number 9 of exercise 2.5 from NCERT. Chaliye. And now the question is. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, third question में क्या करना है? ma'am, मैं इन दोनों को division method से कर दूँ. हाँ जी, बिल्कुल. ठीक है. अभी give me just 2 minutes. I'll just make a follow up with you. Okay? चलिए. Question is 3 into 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 is equal to 4 into 8z minus 13 and minus 17. अब देखिए यहाँ पे गलती होने के कहाँ चांस हैं. देखो मैं पहले सबसे पहले ना जो स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स दे डू ना मैं पहले वो पॉइंट आउट कर देती हूँ ताकि आप उस चीज के लिए बिल्कुल कॉन्शियस हो जाइए ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करो. जैसे मैंने आपको बताया जब नेगेटिव साइन बाहर होता है ना ऑलवेज बी वेरी अटेंटिव, बहुत अटेंटिव हो जाना. नंबर सेकेंड जो मिस्टेक है यहाँ पे आई वॉज पॉइंटिंग आउट नंबर 3, नो इट्स नंबर 2, कि यहाँ पे जो 17 है ना ये माइनस में है तो इट इज नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड विद 4. ठीक है, यहाँ पे यूजुअली व्हाट वी डू हम इसको अंधाधुन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नो, इट्स आउटसाइड द ब्रैकेट एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ सेपरेट टर्म. ठीक है, तो चलिए वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. तो ये क्या बन जाएगा, 3 5 z is 15, सो जस्ट अ सेकेंड, एंड 15 z माइनस 21, यस, माइनस 18 z प्लस 2, यस, 15 z माइनस 21, यस, वेरी गुड स्वाति, माइनस 18 z प्लस 22, यस मैम. भाई क्योंकि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करते हैं दे बिकम पॉजिटिव प्लस, यस प्लस बन जाते हैं. तो 8 4 z is 52 z माइनस, यस 52 माइनस 32 नहीं मैम भाई, 4 8 z, ठीक है राइट, ओके नो इश्यू. वो दोनों सेम से नंबर्स है ना इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए है ना कि 8 है कि 5 है, मैम ने क्या लिखा है देख लें. चलो अब हम अपनी इस साइड को सिंपलीफाई कर लेते हैं. 15 z माइनस 18 z इट विल बिकम माइनस 3 z, माइनस 21 प्लस 22 विल बिकम प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इज 32 z, क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ पे तो दिस विल बिकम माइनस 69. Yes, I hope it's clear. Now, minus 3z minus 32z will become equal to minus 69 minus 1. So, this will become minus 35z is equal to minus 70. Now, we have the same sign. And here are single terms, both sides, right hand side and left hand side. So, we will strike this minus sign out. We will cancel this minus sign. Cancel out kar denge. ठीक है, सो जेड विल बिकम इक्वल टू 70/35, सो देयर बाय गिविंग द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, यस, दिस इज व्हाट वी हैव आवर सॉल्यूशन. ओए यार उसमें चार्जिंग नहीं है, चलिए ओके प्लीज बी क्वाइट. चलो नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू आवर 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलिए अब ये जब 10th क्वेश्चन हम देखते हैं ना पहले तो ऐसे सोच में पड़ जाते हैं यार ये डेसिमल कहां से आ गए, आई हेट डेसिमल्स. तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज को नोटिस करेंगे. वो छोटी सी चीज क्या है, यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट्स, मतलब हमारा जो डेसिमल है वो कितने प्लेसेस के बाद लगा है. यहाँ पे वी हैव लाइक डेसिमल्स, तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं इस डेसिमल को ना हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ओवर 100, 25/100, यस ठीक हो गया. इसी तरह से इसको भी हम हटा देंगे, इट विल बिकम 5/100 इनटू 10f माइनस 9, ठीक हो गया. अब इसको सॉल्व करने के भी दो वेज हैं, मैं पहला वे बता रही हूँ फिर आपको दूसरा वे बताऊंगी. पहले वे में हम क्या करेंगे, हम इस 100 को कैंसिल आउट कर देंगे. लो जी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, यस राइट है ना, क्योंकि सबसे पहले तो डर ही इससे लग रहा था उसको हमने हटा दिया. सो नाउ दिस विल बीइंग मल्टीप्लाइड, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों के साथ इंटरैक्ट करेगा, सो इट विल बिकम 100f माइनस 75, वेरी गुड.
is equal to? Equals to 50F minus 45. Yes, minus 45. Very good. Now we'll reshuffle. Or yahan pe we'll be getting 100F minus 50F is equal to minus 45 plus 75. So here I'll be getting 50F. 75. Is equal to, yes, 30. Right? So F will become equal to, yes, ma'am, 30 over 50. That means 3 over 5. So F is coming out to be 3 over 5. So ye hamara solution aa raha hai. Ab main aapko iska dusra way batati hu calculation ka. Wo sirf simply calculation ka dusra way hai. Aap usko chahe follow karo chahe na karo, it is not a big problem. Dekhiye, humne yahan pe isko reduce kiya tha, humne decimal ko hata diya tha. To ye hamare paas aaya tha cheez 25 by over 100 into 4f minus 3 is equal to 5 over 100 bracket 10f minus 9. So what I'll do, I'll just reduce this fraction into lowest term. So I am getting, mujhe kya mil gaya beta? 4f minus 3 over 4 is equal to 10f minus 9 over 20. Ab ye kuch jana pehchana laga? We could go for criss cross. Yes, got it? So solve karke dekh lete hain. So this 20 will go to this side and it will be multiplying with 4f and minus 3. So main straight away yahan pe likh rahi hu. It will be 80f minus 60 is equal to 40f minus 36. Yes? Theek hai na? Chaliye. Now, chalo ji. Now 80f minus 40f will be equal to minus 36 plus 60. So 40f is equal to, yes, 24. So f is equal to 24 over 40. So ab hum ise 8 ke table se reduce kar lete hain. So we will be getting the same answer as that as we did in the previous method. So answer is the same, 3 by 5. So we finish off 9th and 10th question of exercise 2.5.